जल्दी ही बंद होकर इतिहास बन जाएगी मुंबई की लोकल। मुंबईकरों के लिए आ रही है बड़ी खबर। सालों से मुंबई की लाइफलाइन बन चुकी मुंबई लोकल अब बंद होने वाली है। लेकिन घबराइए नहीं, मुंबई लोकल बंद होने पर मुंबईकरों से लोकल से भी हाई टेक ट्रेन अब लोकल की जगह चलती हुई दिखाई देगी। मुंबई के लिए एक ऐतिहासिक बदलाव के रूप में रेल मंत्रालय ने मुंबई लोकल ट्रेनों को अपग्रेड करने का फैसला किया है। मुंबई लोकल को अपग्रेड कर भारतीय रेलवे ने 238 वंदे मेट्रो ट्रेनों की खरीद का ऑर्डर दिया है। वंदे मेट्रो वाली इन हाई टेक ट्रेनों का निर्माण रेलवे कारखानों द्वारा लगातार नहीं किया जाएगा, लेकिन मेक इन इंडिया के दिशा निर्देशों को सुनिश्चित करते हुए अपने कारखानों में टेक्नोलॉजी पार्टनर के द्वारा विकसित किया जाएगा। हाई क्लास की वंदे मेट्रो ट्रेनें और मुंबई शहरी परिवहन परियोजना 3 और 3A के तहत वंदे मेट्रो उपनगरीय सेवा के लिए 238 ट्रेनों की खरीद के लिए आदेश दिए गए हैं। रेल मंत्रालय ने मुंबई रेल विकास निगम को निर्देश दिया है कि अगले 35 वर्षों के लिए सख्त रखरखाव के साथ परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए निविदाएं आमंत्रित करने को कहा है। MRVC को कहा गया है कि वे पश्चिम और मध्य रेलवे से उनकी आवश्यकता के अनुसार 12 और 15 कार ट्रेनों की आवश्यकता के लिए परामर्श करें और फिर निर्णय लें कि किस कोच संख्या की कितनी हाई टेक वंदे मेट्रो की जरूरत है। ये वंदे मेट्रो वंदे भारत एक्सप्रेस का ही छोटा रूप होगा और इनमें 8, 12 और 15 कोच वाली ट्रेन होंगी, जिनमें कई तरह की सुविधाएं होंगी, जिनमें जरूरत के अनुसार कोचों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। नगरों और महानगरों में 100 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के लिए वंदे मेट्रो सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। इन उन्नत वंदे मेट्रो रेक की शुरुआत से आराम, सुरक्षा और गति के मामले में मुंबई उपनगरीय आवागम में क्रांति आने की उम्मीद है। आधुनिक सुविधाओं और अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये ट्रेनें उपनगरीय यात्रियों के यात्रा अनुभव को बढ़ा देंगी। इस खरीद के साथ सरकार का लक्ष्य उपनगरीय क्षेत्रों में विश्वसनीय और कुशल परिवहन समाधानों की बढ़ती मांग को पूरा करना है। यह बुनियादी ढांचे में सुधार और बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके समर्पण को दर्शाता है। वंदे मेट्रो सेवा देने के लिए लगातार काम चल रहा है और अगले साल मार्च तक यह सुविधा आरंभ कर दी जाएगी। मुंबई में सिटी रेलवे सिस्टम की अपग्रेड योजनाओं के बारे में, मुंबई के लिए 238 नई AC लोकल ट्रेनें खरीदने की योजना अटकी हुई थी और मुंबई के लिए आखिरी AC ट्रेन 30 नवंबर 2022 को चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF से भेजी गई थी, जो दिसंबर 2022 में मुंबई शहर में आई थी, जिसके बाद से किसी भी तरह की ट्रेनों को खरीदने की योजना का आदेश नहीं दिया गया था। वंदे मेट्रो ट्रेन का निर्माण और डिजाइन देश में होगा। ये स्वदेशी ट्रेन दिसंबर 2023 तक पटरी पर दौड़ने लगेगी। वंदे मेट्रो ट्रेन की डिजाइन अगले 1-2 महीने में सामने आ जाएगी। यह ट्रेन भारतीय रेल के लिए क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला साबित होगा। लोकल मेट्रो ट्रेनों के बदले वंदे मेट्रो के चलने से लोकल और मेट्रो ट्रेनों से दबाव कम होगा। इन ट्रेनों को किफायती किराया के साथ चलाया जाएगा ताकि आम नागरिक इसमें सफर कर सके। वंदे मेट्रो को चलाने का प्लान वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की प्रतिक्रिया के आधार पर किया गया है। अगर रेलवे से जुड़ी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सोशल मीडिया में जरूर शेयर करें। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।